रोहित हाथ लाओ इधर. कौन थे ये लोग रोहित? लोन शार्क्स टाइप के लोग हैं. कह रहे 54 लाख रुपीस दो. कहां से दूं? ढेला नहीं है मेरे पास. और किस बात के दूं? अरे धीरे यार, सॉफ्टनेस नाम की चीज तो रही नहीं ना तुम्हें भी. आउच! ये फ्लावर्स यहाँ बीच रास्ते में क्यों पड़े हैं? इसे भी अरेंज कर दो ना. क्यों शोर मचा रही हो? यार आज मेरी एंगेजमेंट है और मेरा ही फोन कोई नहीं उठा रहा है. इतने काम बिजी हो गए कि ना लास्ट टाइम भी हुआ था जब मैंने न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी ना तो डैड और अनन्या का मतलब फाइट ही हो गया. अरे सब अपने अपने कामों में लगे होंगे ना, सबको रेडी होना है और आधे लोग तो तुम्हारे काम में लगे होंगे. वैसे शीना आने वाली थी, अभी तक आई नहीं. क्या टाइम हो गया? मेरा फोन देना वहां पर पड़ा है. मुझे नहीं पता, मेरा फोन ले लो और ये कितनी देर रखना है. अरे तुम बात मत करो, क्रीजेस पड़ रहे हैं, कुछ असर नहीं होगा. तुम्हारा घर तो एकदम चलता फिरता न्यूज चैनल है. यहाँ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के सिवा कुछ और बात होती है क्या? इसलिए तो मैं बोर हो जाता हूँ और तभी मुझे लाइफ में थोड़ा फैशन टीवी चाहिए. कब तक इसका पीछा करोगे? ये आदमी तुम्हारे लिए नहीं है. प्लीज जस्ट लीव हिम अलोन. छोड़ दो इसे. लीव मी अलोन प्लीज. अच्छा, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग? श्योर. ये तुम्हारी नीस जो है ना अमायरा, थोड़ी अजीब सी है ना. व्हाट्स द डील विद हर? एक्चुअली अमायरा बचपन से वियर्ड थी, बट यू नो व्हाट, आई डोंट ब्लेम हर. मेरी सिस्टर ना एम्प्रिमिनालिनी, वो खुद भी वियर्ड थी. ओ शी इज लॉन्ग स्टोरीज बिहाइंड हर. प्रणाम मिलना जी. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो बोला था वो काम हो गया? जैसा आपने कहा था, हम रोहित मेहरा से मिल लिए हैं, बस यही सूचित करने आए थे. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम्हें अपनी नीस की एंगेजमेंट अटेंड करनी है, राइट? राइट. कम, लेट्स गो. ठीक है. हैरी, वो महक आनंद वाला प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है. रियली? सुपर. बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अभी वो तुम्हारे पैसे मैं लौटा नहीं पाऊंगी. आई नो रोहित ने तुम्हें चेक दे दिया है, बट फिर भी वो. इट्स ओके, इट्स फाइन. पूछोगे नहीं क्यों? यार अगर तुम्हें बताना होता तो मुझे पहले ही बता देते. बट आई ट्रस्ट यू. द थिंग इज, मुझे कुछ चीजें सॉर्ट आउट करनी है. यू नो रोहित ने वो पैसे. यू नो व्हाट है ना, उस आदमी की वजह से अपने आप को मुसीबत में मत डाल लेना तुम. I trust you, but I don't trust Rohit. Tanima. तो वैसे भी कल रात को तुम काफी परेशान लग रही थी. I'm sorry. I know मैं बहुत ज़्यादा selfish behave कर रही हूँ. But you know the thing is कि दिल्ली में मेरा यहाँ तुम्हारे वैंडे और चेरी के सिवा कोई है नहीं. And I want to share everything with you too, even if it is about Rohit. The thing is कि रोहित ने तुम्हें वो जो चेक दिया था, मुझे लगता है उसने किसी से लोन लिया है वो 50 लाख का. एंड अब वो लोन रिकवरी वाले गुंडे उसके पीछे पड़े हैं. हिज लाइफ इज इन डेंजर एंड आई एम रियली वरीड. सो मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. आई एम जस्ट अ कॉल अवे ऑलवेज. ओके. जहाँ तो है तू,
अमो क्या हो रहा है? हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन? अमो, यू आर स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल. इस आदमी को भूल जाओ, बहुत हो गया, ये हद से बाहर हो गया है. आर यू लिसनिंग टू मी? बेटा, मैं बात कर रही हूँ. अच्छा सुनो अम्मो, ऐसा करते हैं, आज से फिर से तुम दवाइयाँ लेना शुरू करो, और बाकी मैं सब हैंडल कर लूँगी. और मैं रोहित से भी बात करती हूँ. तुम अपना ख्याल रखो. First drink? Not really. What about your wine? I'm avoiding actually. Nice. I just joined you. You're very lucky कि तुम्हें पूनम जैसी बहू मिली है. मैं तो सबको यही कहती हूँ कि पूनम मेरी बेटी ही है. मैंने अगर किसी से कहा कि वो मेरी बेटी है तो कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं ना. वो क्या है ना, पूनम मुझसे सिर्फ कुछ ही साल छोटी है. अब बेटे को ओल्डर वुमन से शादी करनी थी तो इट्स इम्पॉसिबल. आई विल कैच यू. माँ, क्या हो रहा है, कितनी हो गई? ये जो तेरी नई वाली सास है ना, बहुत बड़ी वाली चू है. ये कह रही हूँ मैं, बहुत बड़ी चुड़ैल है. भाई ताना मार जाती है और पता भी नहीं चलता है. हाँ उसका स्टाइल है ये, लेकिन दिल की अच्छी है. है पानी, दिस इज नाइस ना यार. तुम अभी तक तैयार नहीं हुई ईशान के. लुक एट हर. ये रो रही है? हाँ. क्या हुआ ऐसे? बानी, बानी बेटा क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? नहीं बता रही. मानी, क्या हुआ है? मुझे पता है तुम हर बात अपने पापा से शेयर करती हो. अब मैं ही तुम्हारे पापा हूँ और मैं ही तुम्हारी मामा हूँ. बताओ बानी, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे आप दोनों को कुछ बताना था जो मैं बहुत दिनों से कुछ दिनों पहले मैंने अबॉर्शन करवाया. व्हाट? मैं अकेली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. तो आई एम सॉरी आई हैड एन अबॉर्शन. शुभानी, आई एम सॉरी बानी, तुम्हें मेरी जरूरत थी और मैं तुम्हारे पास ही नहीं थी. मैं अपनी शादी, अपने पति, अपनी नई जिंदगी में इतनी बिजी थी कि मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए. आपकी गलती नहीं है वो, प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ. मैंने गलत डिसीजंस लिए, इसलिए अबॉर्शन करवाना पड़ा. प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ, आई फील मोर बैड. आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था. मैं तुम दोनों को यही बताना चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों से दूर हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ अब भी तुम दोनों के लिए खड़ी है. आप थी, आप हमेशा मेरे पास ही थी, मेरे साथ थी, लेकिन मैं कभी आपके पास नहीं. I'm sorry for that. I'm really sorry. It's my fault. It's not your fault. It's nobody's fault. Don't
तुम दोनों मेरी स्ट्रॉन्ग बच्चियां हो, हमेशा ऐसे ही रहना। मैं हमेशा तुम दोनों के लिए हूं, हमेशा। आई आई। वो गाजर का हलवा वैसा मैंने कभी खाया नहीं है अपनी जिंदगी में। हेलो मिस्टर मेहरा, अपने फार्म हाउस से बाहर आइए, मैं वेट कर रही हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू। पहचाना नहीं आपको, मैं कौन? माय कार नंबर इज 7586। अनन्या, ये इस घर में हो क्या रहा है वैसे? आई मीन, ये हम आपके है कॉन्ट्रैक्ट में, सब लोग गुप्त गुप्त क्यों खेल रहे हैं? टेल मी। सीरियसली, बुढ़ापा तो आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट ब्लाइंड, नॉट येट। वहां मैं देख रही हूँ कि रोहित इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी और विद अ फेक स्माइल ऑन हिज फेस, लेकिन आई डोंट नो, ही लुक्स अ बिट टेंस। यू आर नॉट लुकिंग वेरी प्लीज्ड आइदर। हो क्या रहा है बेब? फ्रेंकली आई थॉट कि अमायरा रोहित का ब्रेकअप हो गया एंड ही इज बैक विद यू, बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। और वहाँ अमायरा के घर में रोहित का जिक्र हो रहा है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आई वाज देयर द अदर डे और वहाँ कुछ डिस्कशन चल रहा था एंड दे वर सेइंग रोहित पैसे मांग रहा था, कुछ 54 लाख्स। व्हाट? आई डोंट रियली नो, बट ऑल आई नो इज दैट जीज इज गेटिंग स्पेक्टेक्युलर एंड मस्कुलर, यस, बट वेरी अनपॉपुलर अमंगस्ट द गर्ल्स। ये तुम्हारा मास्टर प्लान है? फकिंग अनबिलीवेबल। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मेरे पैसे लौटा दो, जो तुम नहीं कर पाओगे, or you marry my daughter। मैडम, कमाल की बात यह है कि जो फासला आपने तय किया है ना, फ्रॉम गेट लॉस्ट टू मैरी माई डॉटर, फकिंग अमेजिंग। वैसे इतना प्यार तो मेरी दोनों बीवियों ने मिलकर मुझे जिंदगी में दे दिया। Now I have three options for you. Fuck it. Fuck you. Fuck off. Take your pick. मुझे नहीं खाना। मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज पूछ रही हूँ ना, कि मेरे असली मम्मी पापा कौन है, बस इतना बता दीजिए। देखो, तुम मेरी मैनेजर रह चुकी हो 8 साल के लिए, इसे रख लो यहाँ और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पैसों की फिक्र मत करना, वो तो मैं भेजती रहूंगी तुम्हें। आपको अनन्या से मिलना है? नहीं, आई डोंट थिंक तुम्हारा ये जानना जरूरी था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। डोंट वरी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके पैसे लौटाने आई थी। या
हाँ, आप हर साल पैसे भेजती आई हैं ना मेरे बोर्डिंग के लिए, फॉस्टर पेरेंट्स के लिए, एजुकेशन के लिए. नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड वर्किंग, मैं धीरे धीरे आपके सारे पैसे लौटा दूंगी. क्या? नो नो प्लीज, ये तो मैं अपनी खुशी से देती हूँ. एक्चुअली क्या है, मेरी फैमिली है यहाँ, और अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी. रिनालिनी, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ. आई एम विद द इवेंट प्लानर. ओके, 5 मिनट्स. I'm so sorry, Ananya. You know, मैंने शादी कर ली, तुम्हारे डैड और मी हम बहुत यंग थे. प्लीज, आपकी मिस्टेक थी मैम. इट्स नॉट लाइक दैट. एक्चुअली सच्चाई ये है कि वी डिडंट गेट मैरिड. वी हैड एन अफेयर. इट्स अ सीक्रेट रिलेशनशिप एंड ही ब्रोक माई लव एंड माई ट्रस्ट. और मैं लव चाइल्ड थी. आई नो. लव, प्यार बहुत था, भरोसा एकदम नहीं. आई विल टेक दिस चेक फ्रॉम यू. मैं अपने पास ही चेक रखूंगी. आज तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े आई विल रिटर्न इट बैक टू यू. आई ओ यू आना. जिंदगी में मैं कभी कुछ कर सकूं तो आई एम सॉरी. नो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू से सॉरी. इनफैक्ट आपकी वजह से मैं अब जिंदगी में शायद किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकूंगी. सो थैंक यू, बहुत बड़ा सबक सिखाया आपने मुझे. बाय. रुकिए रुकिए रुकिए. और मैडम आप कौन और अंदर कहां जा रही हैं? ए, मैम को जाने दे. बेटा आप जाइए. Hello, mother. How are you?